नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि GNM थर्ड ईयर रिज़ल्ट जो है अभी तक पेंडिंग है। एक महीना, इस महीना, वो महीना, मई, जून, जुलाई आ गया है, अभी तक जो है रिज़ल्ट का कोई अपडेट नहीं है। और अभी जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से MPNRC में एक नया रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप यहाँ पे देखिए, ये 28/6 को जो है जबलपुर नर्सिंग कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं अस्टेला पीटर जी, उन्हें जो है रजिस्ट्रार बनाया गया है MPNRC का। ठीक है, तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अस्टेला पीटर ने तो प्रभार ग्रहण कर लिया है कल यानी सोमवार को। ठीक है, और उसके बाद पदभार ग्रहण करने के बाद जो है जो नर्सिंग एसोसिएशन है, जो नर्सिंग के ऑर्गेनाइजेशन है जो कि छात्र हित में हमेशा आगे आते हैं, उन्होंने क्या कुछ ज्ञापन दिया है रजिस्ट्रार को, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कि अस्टेला पीटर के द्वारा क्या कहा गया है कि कब तक रिज़ल्ट जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, और मेरी जब बात हुई है जो NSA के जो अध्यक्ष हैं आपका राजकुमार त्यागी जी, उनसे जब मेरी कल बात हुई थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा है अस्टेला पीटर को, वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और देखते हैं कि कब तक रिज़ल्ट देने की बात जो है अस्टेला पीटर के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये वो ज्ञापन है जो कि नर्सिंग छात्र संगठन मध्य प्रदेश, ठीक है, जो कि ग्वालियर में इनका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, और इन्होंने ज्ञापन सौंपा है 10/7/2023 को यानी कि कल। ठीक है, रजिस्ट्रार महोदया MP नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, विषय देखिए क्या है, GNM थर्ड ईयर के परीक्षा परिणाम को घोषित करने हेतु। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि फरवरी में ही एग्ज़ाम हुआ था और अभी तक रिजल्ट जो है आज देंगे, कल देंगे, इस महीने, उस महीने, ऐसा हो रहा है। नर्सिंग छात्र संगठन मध्य प्रदेश आपको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहता है कि GNM थर्ड ईयर की एग्ज़ाम फरवरी माह में हुए थे, जिसे लगभग आज 6 महीना होने को आए हैं। परीक्षा परिणाम में देरी की वजह से हजारों छात्र छात्राएं सरकारी नौकरियों से वंचित रह रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि GNM थर्ड ईयर की परीक्षा परिणाम को जल्द से जल्द घोषित करवाएँ, नहीं तो छात्र हित को देखते हुए नर्सिंग छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेगा। ये ज्ञापन जो है कल रजिस्ट्रार को ऑलरेडी सौंप दिया गया है। अब रजिस्ट्रार के तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जब हमने जो NSA के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार त्यागी जी, तो उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार कल यानी कि मंडे को पदभार ग्रहण की हैं, तो उनका आज जो है दूसरा दिन है, मंगलवार को दूसरा दिन होगा उसका ऑफिस का। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका रिज़ल्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी अगर जो रिज़ल्ट तैयार होगा तो हम उसे 2 से 3 दिन में, ठीक है, माने कि इसी वीक में, ठीक है, 15 तक घोषित कर देंगे। अगर रिज़ल्ट नहीं बना हुआ है, अगर रिज़ल्ट प्रिपेयर नहीं है, तो 10 दिन का टाइम दीजिए, हम जो है रिज़ल्ट जारी करवाने का प्रयास करते हैं। ये बात जो है अस्टेला पीटर के द्वारा कही गई थी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अगर 15 से 20 तक में रिज़ल्ट आ भी जाता है GNM थर्ड ईयर का, ठीक है, 15 से 20 जुलाई तक आ जाता है, तो इसके बाद आपको पता होगा कि एक प्रक्रिया होता है, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखा होगा, रीचेकिंग का और रीटोटलिंग का। तो रीचेकिंग और रीटोटलिंग के तरफ जो है इसके बारे में V2 नर्सिंग के द्वारा, V2 नर्सिंग के जो हम लोगों का जो एक टीम है उसके द्वारा रजिस्ट्रार को हमने भी एक ज्ञापन सौंपा है, वो ज्ञापन हम आपको दिखाते हैं और उसमें क्या कुछ कहा है हमने वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए,
एनएसए के जो प्रदेश प्रभारी हैं विक्की अरहला जी, उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है रजिस्ट्रार मैडम को। ठीक है, आप देख लीजिए, कल जो है 2:30 बजे के आसपास ये ज्ञापन सौंपा गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, उनका ऑफिस में स्वागत किया गया है एनएसए के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमारे तरफ से मैडम को क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको पत्र दिखाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हमने V2 नर्सिंग का जो टीम है उनके द्वारा हमने एक ज्ञापन सौंपा है स्टेला पीटर मैम को। अब यहाँ पे देखिए, सेवा में स्टेला पीटर रजिस्ट्रार महोदय MP नर्सिंग काउंसिल, रीचेकिंग रीटोटलिंग फाइनल ईयर के संबंध में। ठीक है, हमने क्या कहा है आप देखिए यहाँ पे, सविनय निवेदन यह है कि हम सभी GNM के छात्र छात्राएं जो 19-22 सेशन के हैं, आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में हम लोगों का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद काउंसिल की तरफ से रीचेकिंग रीटोटलिंग के लिए आवेदन लिए जाते हैं। ठीक है, जो छात्र हित में बहुत अच्छा पहल है, लेकिन जो स्टूडेंट रीचेकिंग रीटोटलिंग नहीं करवाना चाहते हैं उन्हें भी उस परीक्षा परिणाम के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर जो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने देखा होगा कि रीचेकिंग और रीटोटलिंग का एक फॉर्म लिए जाते हैं। ठीक है, बात यह है, अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि मान लेते हैं अगर जो किसी का 2-4 नंबर कम है तो उन्हें रीटोटलिंग या रीचेकिंग में पास कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 2 से 3 मंथ का समय लग जाता है रीटोटलिंग रीचेकिंग का एक फाइनल रिजल्ट देने में, जो कि सही नहीं है। एक तो ऑलरेडी सेशन हम लोगों का काफ़ी लेट है, ऑलरेडी जून देखें तो ऑलरेडी 1 साल हम लोगों का सेशन लेट। रीचेकिंग रीटोटलिंग में अगर जो 2-3 महीना का समय लगता है तो मान के चलिए कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलते मिलते नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, 2024 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यही लिखा है पत्र में कि जो स्टूडेंट रीटोटलिंग रीचेकिंग नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस परीक्षा परिणाम के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट रीचेकिंग रीटोटलिंग करवाते हैं उसका परीक्षा परिणाम तक हम लोगों को इंतज़ार ना करवाया जाए। जिसको रीटोटलिंग करवाना है रीचेकिंग करवाना है उसका रिजल्ट जो है रोका जाए, उसका मार्कशीट को रोका जाए जब तक कि फाइनल रिजल्ट रीचेकिंग रीटोटलिंग का नहीं आता है। लेकिन जो रीचेकिंग रीटोटलिंग नहीं करवाते हैं एटलीस्ट उसका मार्कशीट तो प्रिंट करके कॉलेज भेजा जाए। तो हमने यही लिखा है, जो स्टूडेंट नहीं करवाना चाहते हैं उन स्टूडेंट का मार्कशीट प्रिंट करवा के कॉलेज भेजा जाए। इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि समय पे जो है हम लोगों का काम हो जाएगा। हमने ये भी लिखा है कि अगर जो रीटोटलिंग रीचेकिंग प्रक्रिया अगर जो आपको करवाना ही है तो कम से कम समय में इसका रिजल्ट जारी किया जाए। मान लेते हैं कि काउंसिल जो है राजस्व के लिए अगर जो रीटोटलिंग रीचेकिंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि विद इन 10 to 15 days रीचेकिंग रीटोटलिंग का रिजल्ट दे दें, ताकि हमें ज़्यादा इंतज़ार ना कर पड़े, 2-3 महीने का इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है, हमने यही लिखा है कि प्रक्रिया को पूर्ण करवाने का प्रयास किया जाए ताकि हम लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द पूर्ण करवा सके। आपको ज्ञात हो कि 19-22 सेशन जो है काफ़ी विलम्ब हो चुका है। ठीक है, और श्रीमान से आग्रह है कि कृपया इन बातों पर विचार करें। ठीक है, इसके लिए हम आपका जो है सदा आभारी रहेंगे या रहूँगे। ठीक है, तो आपका विश्वासी समस्त छात्र छात्राएं GNM तृतीय वर्ष 19-22 सेशन का ये ज्ञापन जो है हमारे एक मित्र ने कल ही, ये आप जानते हैं हमारे एक मित्र हैं मनीष कुमार, ठीक है, इनके द्वारा जो है कल ज्ञापन सौंपा गया है, आप देखिए यहाँ पे। और हम आशा करते हैं कि रजिस्ट्रार महोदया के द्वारा जो है इस पर संज्ञान लिया जाए और छात्र हित में, क्योंकि ऑलरेडी सेशन आप लोग जानते हैं इतना लेट हो चुका है, तो अगर जो इस लेटर से कुछ भी एक शब्द भी जो मान लेते हैं एक प्रकार का अगर जो हेल्प मिलता है तो वो काफ़ी हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो बाकी यही सब अपडेट है, आप देख लीजिए यहाँ पे, हमने कल ही इनको पोस्ट किया है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, क्योंकि हमने ग्रुप में भी पूछा था कि अगर जो भोपाल से हमारे कोई भाई हैं
तो हम उन्हें जो है हैंड टू हैंड दिलवा देते कौंसिल में, लेकिन भोपाल से हमें कोई अपना मित्र मिला नहीं, तो हमने स्पीड पोस्ट करवा दिया। ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट था, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए रिजल्ट के लिए यही अपडेट था। ठीक है, कि अगर रिजल्ट तैयार है तो वो 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तैयार नहीं है तो 10 से 15 दिन में जो है रिजल्ट आ जाएगा। मेरी जब काउंसिल से बात हुई थी हमको लगता है 2 दिन पहले, तो वो 15 तारीख की कह रहे हैं। ठीक है, 15 तारीख तक जो है हम लोग दे देंगे रिजल्ट। अगर 1-2 दिन इधर उधर हुआ तो हम मान के चलते हैं कि 20 तारीख तक जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट देने के बाद आगे आपको क्या करना है, रिटोटलिंग रीचेकिंग का जब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं रिजल्ट के समय रीचेकिंग रिटोटलिंग का अगर जो जो छात्र नहीं करवाते हैं उसका मार्कशीट अगर जो कॉलेज भेजा जाएगा, तो कॉलेज भेजने के बाद आपको कौन सा वैसा प्रोसेस है जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन मिल जाए, हम वो आपको अगली वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में तत्काल रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तत्काल रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कितनी फीस लगती है और कितने दिनों में आ जाता है। ठीक है, उसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही हम वीडियो आपको चैनल पर डालें तो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, फिलहाल यही जानकारी था, और बाकी कोई भी जानकारी MPNRC के तरफ से आता है तो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।